हाय गाइस, हम के साथ शिम हियर, दिस इज सेरिश, नॉरी, सही हो क्या कर रहे हैं? बोलने तो तुम्हें जाने हैं। आज हम राजू को लेकर आए हैं, राजू श्रीवास्तव, जो किसी और की मिमिक करेंगे लालू यादव की। ठीक है, और ये है खुद में तो यार बहुत अच्छे कॉमेडियन है। सीरियसली मतलब इसको देखकर ही देना, मतलब ऐसा होता है यार बगैर जोक मारी थे ना, वो हंसी आ रही है, एक्सप्रेशन से ऐसे बनाते हैं ना ये। वैसे हम बहुत टाइम बाद इनको तो देख रहे हैं और रिक्वेस्ट भी आई है हमारे पास, तो हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं कि लालू जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई जलसा हो या कोई पब्लिक गैदरिंग हो, हमेशा लोग उनको सुनना चाहते हैं और उनकी ओर एक आकर्षण है। यही वजह है कि जितने भी हास्य कलाकार हैं, इंक्लूडिंग शेखर सुमन, जॉनी लीवर, मैं या तमाम लोग, इनकी बातें कर करके सबकी अच्छी इनकम हो रही है। बिल्कुल। लेकिन फिर लालू जी हम ये भी कहेंगे कि आप देश से ज्यादा हमारे काम आते हैं। थैंक यू। कोई कार्टूनिस्ट, कोई कवि या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन लालू जी को टारगेट जरूर करता है, क्योंकि इनकी बात आसानी तक से लोगों तक पहुंच जाती है और करेक्टर वही उठाते हैं जो बहुत मशहूर हो। ये भी तारीफ की बात है, हर एक को ये नसीब नहीं है। लालू जी पे कल मैंने सुनाया था कि लालू जी गब्बर होते तो शोले कैसे होती, उसके बदले आज ये सुना रहा हूं कि लालू जी सुपरमैन हो गए। सुपरमैन है ही। जब ऋतिक रोशन वाली फिल्म बहुत हिट हुई क्रिश, तो उनके कलेक्शन को देख के अंग्रेजों के कान खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा ओरिजिनली तो फिल्म हमारी है, सुपरमैन वो हवा में उड़ता है, लोगों की मदद करता है, तो वो इसको बनाने के लिए, सुपरमैन को बनाने के लिए इंडिया आए और बहुत सारे एक्टर्स के उन्होंने ऑडिशन लिया कि कौन सबसे अच्छा रहेगा इस रोल के लिए, सुपरमैन के लिए। सब रिजेक्ट हो गए, लालू जी सिलेक्ट हो गए। अब लालू जी अगर सुपरमैन बने तो उसके सीन कैसे होंगे, उसके दृश्य कैसे होंगे? पहले सीन में भाभी जी बोले, राबड़ी जी, आदरणीय हमें भाभी जी, राबड़ी जी बोली, ए जी ये बिहाने बिहाने नीला कपड़वा पहन के का उड़ते हैं और ऊपर से लाल चड्डी पहन लिए, कितना चमकता है। अब जब से सुपरमैन बने हैं डेरी दरवाजे से काहे नहीं निकलते, छत फोड़ फोड़ के निकलते, ऊपर उड़ते रहते हैं, नीचे से गाय और भैंस देखती है कि साहब कब उतरेंगे चारा देंगे। ए पगली दब, ए फालतू बात करती है, अरे हम सुपरमैन बना हूं, हमको ताकत मिला है, सबका मदद कर रहा हूं, समाज सेवा हो रहा है, कितना पुण्य का काम है, लोग दुआ देता है, ये नहीं ना समझती हो? कल का बात है, तुम तो हमको घर का मुर्गी समझे हो, बाहर हमारा कितना वाहवाही होता। कल का बात है, एक ट्रेन हजारीबाग के जंगल में फंसा रहा, लेट 8 घंटा लेट, सब पैसेंजर परेशान, बच्चा लोग था,
बच्चा लोग है, कोई का पानी खत्म हो गया, खाने का सामान खत्म हो गया, 8 घंटा लेट हम ऊपरे से उड़ते उड़ते देख लिए, नीचे उतरे और पूरी ट्रेन को एक हाथ में दबोच के अब पटना जंक्शन में धर दिए 2 घंटा बिफोर। ये नहीं सुने हैं, रख तो दिए, बाद में पब्लिक कितना गरिया है वो नहीं सुने हैं। ट्रेन जाओ तरा कोलकाता धर दिए पटना। अरे कभी घर से बाहर निकल के देखो, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, विदेश में हमारा सम्मान है जो सच्चाई है, और नहीं ना मालूम है, और घर में हम सब नहीं बताते हैं। दूसरे से पूछो, दूसरे दृश्य में, दूसरे दृश्य में राबड़ी जी फिर रही, ए जी वो जो सुपरमैन है अंग्रेज लोगों का, वो तो अकेले उड़ता है, कैसे शादी नहीं किया है? आप तो हमसे विवाह किए हैं, जोरे से उड़िए। हाँ ठीक है, गरम कपड़ा पहन लो, ऊपर बहुत हवा चलता है। भाभी जी गई, राबड़ी जी आई वापस, देखी गृहिणी तो गृहिणी होती है, वो आके बोली, ए जी एक तो आइडिया है, ऊपर छत पे रस्सी पे अपने 9 बच्चा के कपड़ा सूख रहे हैं, तो रस्सी के एक कोना आप पकड़ लिए, एक कोना हम पकड़ के उड़ेंगे तो कपड़वा भी सूख जाएगा। तो हमको खाली घर की मुर्गी समझती है, बाहर निकल कर देखो, आई एम किंग मेकर। टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, वो प्रोग्राम बंद हो गया, इमेजिन चैनल पे, एनडीटीवी इमेजिन, वो चैनल भी बंद हो गया। उसमें प्रोग्राम आता था कि एक डॉक्टर आती थी और हिप्नोटाइज करके वो करेक्टर्स को पिछली जिंदगी में ले जाती थी, और फिर उससे घटना के बारे में पूछती थी कि उसके साथ क्या बीता, वो कैसे मरा था। तो उसी में भाग लेने के लिए मेरा दोस्त जा रहा था, मैंने कहा जा रहा है, जा रहा है उसी प्रोग्राम में, सो जाएंगे घर पे, साले लौंडे सोने नहीं देते। अब उसी में लेटा हुआ है, वो डॉक्टर आती है, चलिए आंख बंद करिए, आंख बंद करिए, ये लेटे लेटे बोलता है, मैंने बंद किया है, तुम खोल के देखो, बदतमीजी ना करें, जाइए जाइए पिछली जिंदगी में, जाइए घटना की तरफ, जाइए जाने की कोशिश कीजिए घटना में, जाइए, तेज हवाएं चल रही हैं, खुशबू फैली हुई है, अप्सराएं आपको लेकर जा रही हैं, आप सुरंग से गुजर रहे हैं, शरीर ढीला छोड़ दें, समर्पण की भावना से आप सीधे से गुजर रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, खुशबू आ रही है, शरीर ढीला छोड़ दें, समर्पण की भावना से घटना को देखें, घटना में ध्यान से देखें, घटना में कुछ नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है घटना में, घटना में, घटना में लालू प्रसाद नजर आ रहा है, चल खड़ा खड़ा खड़ा, लाइट ऑन कर, चप्पल पहन, तुमको घटना में जाने बोला तू पटना चला गया। दो बार तो उन्होंने अपना ग्लासेस उतारा है,
बहुत नोनाट बहुत अच्छे कॉमेडियन है इनकी इनकी एक्सप्रेशन इनकी जो बात करने का जो होता है वो चेंज कर देता है अगर वो कोई और कैरेक्टर आपको कर रहे हैं चीखे तो वैसा करने की कोशिश करेगी और ना वॉइस भी काफी चेंज कर देगी यार ये चीज बहुत अच्छी लगी लेकिन बहुत दिनों मतलब बहुत ही सालों के बाद इनफैक्ट मतलब इतने सालों के बाद इनको वीडियोस में देख रही हूँ सेम मैं देख नहीं रहा था तो सब उसी पे ही चले गए तो नो डाउट पुराने में भी देखना चाहिए यार क्योंकि पहले वाला जहाँ से स्टार्ट हुआ है तो वो जरूर देखो तो बाकी बहुत मजा आया जिससे भी रिक्वेस्ट की थी वो थैंक यू सो मच क्योंकि बहुत हमें मजा आया कि जो पुरानी चीजें थी उनकी उनकी टून वगैरह सब देखने को और सुनने को मिली एंड गाइस प्लीज इस तरह से हमें रिक्वेस्ट करते रहना और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप जाकर हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें प्रेस द बेल आइकन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।